तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून। तो दोस्तों, परीक्षा तिथि घोषित हो गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर के आधार पर मैं आपको ये न्यूज़ दे रहा हूँ कि परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित हो चुकी है। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो बने रहें पूरे वीडियो में मेरे साथ। तो दोस्तों, ये लगभग 9 घंटे पहले का ट्वीट है फर्स्ट इंडिया न्यूज़ समाचार चैनल। तो जयपुर पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा मामला सूत्रों के हवाले से मिल रही बड़ी जानकारी 14 और 15 जुलाई को हो सकती है लिखित परीक्षा। 2 पारियों में परीक्षा कराए जाने की जानकारी, SSC की तर्ज पर परीक्षा लिए जाने की सूचना। यदि ऐसा हुआ तो आ सकती हैं कई मुसीबतें। यानी जिस तरीके से SSC 2 पारियों में एग्ज़ाम लेता है, एक सुबह का पारी और एक शाम की पारी में, तो इस तरीके का सूचना मिल रही है कि फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के अनुसार कि 2 पारियों में ये एग्ज़ाम करवाई जा सकती है। लेकिन ऐसा हुआ तो बहुत मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो दोस्तों, ये फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खबर है। आगे चलते हैं इसी खबर में एक और जानकारी कि ऑफलाइन पेपर को लीक होने से रोकना बड़ी चुनौती, 1 की जगह 4 प्रश्न पत्रों को संभालना होगा चुनौती। हालांकि अभी तक घोषित नहीं हुआ है परीक्षा कार्यक्रम। यानी कि अगर 2 दिन में एग्ज़ाम और 2-2 पारियों में एग्ज़ाम कराई जाती है तो इस तरीके से 4 प्रश्न पत्र हो जाते हैं, यानी कि 14 तारीख के 2 और 15 तारीख के 2। तो उनको लेकर बहुत बड़ी उनकी सुरक्षा की चिंता बढ़ सकती है। और अभी ऑफिशियली रूप से, यानी आधिकारिक रूप से पुलिस विभाग द्वारा अभी इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित नहीं की गई है। सिर्फ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ समाचार चैनल के आधार पर मैं आपको ये परीक्षा की तिथि बता रहा हूं। तो दोस्तों, ऑफिशियल न्यूज़ को ही आप कन्फर्म मानिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।